शुक्रवार को राजधानी के मौधाबहरा सामुदायिक भवन में श्रम विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के तत्वाधान में हितग्राहियों को साइकिल वितरण की गई। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आज मजदूर कार्ड धारक 1200 साइकिलें वितरित की गईं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कुल 10,000 साइकिलें वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक श्रीचंद सुंदरानी, आरडीए अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। ये श्रम विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसमें करीब उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 1200 साइकिलों का वितरण का कार्यक्रम है। पहले राउंड में हम 500 साइकिल वितरण कर रहे हैं और एक आध हफ्ते बाद फिर अलग अलग क्षेत्रों में हम इसका आयोजन करेंगे। जिनके पास मजदूर कार्ड है, संगठित असंगठित, ऐसे लोगों को वितरण अभी तो 1200 होंगे। अलग अलग चारों विधानसभा में करीब 10,000 साइकिल बंटनी है। देखिए, देश में या प्रदेश की हम बातचीत करें, ये हम सब जानते हैं कि भारत देश के अंदर में हमारे सामान्य परिवार के और जो गरीब परिवार के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों की चिंता निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए। ये दुर्भाग्य रहा कि 50 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार पिछले 15-20 वर्षों से राज्यों में हो या केंद्र में, इन गरीब परिवारों को हम उनका जीवन स्तर किस तरीके से ऊपर उठा सकें, इसके लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को हमने चालू किया। और एक श्रमिक, जिस श्रम के कारण जिन बिल्डिंगों में हम सब रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, लेकिन वो श्रमिक जो पसीना बहाता है, शायद उसकी चिंता कोई नहीं कर पाता है। ऐसे श्रमिकों की चिंता, ऐसे काम करने वालों की चिंता यदि किसी ने की तो बीजेपी की सरकार ने की। और आज आपने देखा कि उनके आने जाने के लिए साइकिल की बातचीत करें, या उनके रोजगार के लिए हम मशीन की बातचीत करें, या हम जो मजदूर अपना काम करते हैं उनके औजार किट की बात करें, ये तमाम प्रकार की चीज़ों उनके उन तक पहुंचे निःशुल्क रूप से, इसकी चिंता डॉक्टर अमन सिंह की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया है। और उसी कड़ी में पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर में इस तरह का जो वितरण है, साइकिल वितरण है, मशीन वितरण है, ये सब वितरण हो रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर इन चीज़ों का उपयोग करके वो अपने जीवन को और तेज गति से आगे बढ़ा सकेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में श्रम विभाग के द्वारा आज यहाँ पर हितग्राहियों को ये सामान वितरित किया जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से वो अपने रोजगार को हासिल करके निश्चित तौर पर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। नारायण नारायण।